नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार के द्वारा नव गठित प्रखंड और अंचल समन्वय समिति का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख को बनाया जाए, धर्मेंद्र। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पत्रांक संख्या 228 दिनांक 25/8/2023 के द्वारा प्रखंड समन्वय और अंचल समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रखंड समन्वय समिति का सदस्य सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी को जबकि अंचल समन्वय समिति का सदस्य सचिव अंचल अधिकारी को बनाया गया है। इस समिति का काम महीने में कम से कम दो बार बैठक कर सभी विभाग की समीक्षा की जानी है। परिसमिति में जनता के एक भी प्रतिनिधि को जगह नहीं दिया गया, जिससे कि इस समिति की बैठक का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। एक तरफ इस देश में लोकतंत्र की मजबूती की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जनप्रतिनिधियों का अधिकार में कटौती की जा रही है, जो कि लोकतंत्र के भविष्य के लिए सही नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि प्रखंड और अंचल समन्वय समिति में जनता के प्रतिनिधि प्रखंड प्रमुख को अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि विभागीय समीक्षा में पारदर्शिता हो सके और बैठक के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से यह मांग करता हूं कि पिछले दिन 25 अगस्त 2023 को अपर मुख्य सचिव के पत्रांक संख्या 228 के माध्यम से प्रखंड समन्वय समिति और अंचल समन्वय समिति का गठन का निर्देश दिया गया है, लेकिन उसमें जनता के प्रतिनिधियों को एक भी जगह नहीं दिया गया है, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से यह मांग करता हूं कि इन दोनों ही समन्वय समिति में सभी प्रखंड प्रमुख को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाए, ताकि प्रखंड स्तर पर होने वाली यह समीक्षा बैठक में पारदर्शिता हो सके और जो यह समन्वय समिति का मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके।